दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां गिरीश चंद्र वर्मा बने जिला सहकारी संघ बिल्लौर के निर्विरोध अध्यक्ष। जनपद कानपुर नगर के बिल्लौर तहसील अंतर्गत बिल्लौर ब्लॉक अंतर्गत बिल्लौर नगर पालिका क्षेत्र के जयप्रकाश नगर स्थित जिला सहकारी संघ बिल्लौर की नवगठित कार्यकारिणी हुई घोषित, जिसमें सदस्यों द्वारा गिरीश चंद्र वर्मा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वहीं उत्तम कटियार को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। संबंधित सदस्यों के साथ साथ नगर के गणमान्य जनों एवं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में जिला सहकारी संघ बिल्लौर की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। उक्त अवसर पर उपस्थित लोगों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को फूलमाला पहनाकर व लड्डू खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष के द्वारा उपस्थित सभी साथियों के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया गया, धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उक्त अवसर पर बाबू सिंह, जेपी कटियार, विक्रम मिश्रा, कौशल अवस्थी, प्रभाकर अवस्थी, अश्विनी कटियार, ऋषिकांत गुप्ता, सौरभ शर्मा, गौरव शर्मा, केशव वाजपेयी, स्वप्नेश तिवारी, ओमी कुशवाहा, कौशल किशोर तिवारी आदि दर्जनों समर्थक व शिवचिंतक मौजूद रहे। बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। आपको निर्विरोध अध्यक्ष पद पर चुना गया, किसानों के लिए क्या प्राथमिकता होगी? किसानों के लिए जो यहाँ पर बीज खाद प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराई जाएंगे। किस पार्टी से आपका निर्वाचन हुआ? मेरा भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश नेतृत्व द्वारा घोषित किया गया, उसी पे हम निर्वाचित घोषित हुए। अगर आपको अभी बात की जाए कि अभी तक आपने जो एनालिसिस किया होगा उसके आधार पर किसानों की क्या समस्याएं हैं? किसानों की सबसे बड़ी समस्या समय से खाद उपलब्ध ना होना जी, जिसके लिए हम अपने पार्टी नेतृत्व से प्रयास करके और ज़्यादा से ज़्यादा इस सहकारी संघ पर खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे, जिससे हमारे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। जिन्होंने आपको सहयोग किया और निर्विरोध घोषित कराया है उनके लिए और यहाँ के किसान भाइयों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए बहुत आभार व्यक्त करूँगा, हमारे प्रदेश नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का और बिल्लौर मंडल सभी का हमको सहयोग प्राप्त हुआ, उसी के आधार पर मैं आज निर्विरोध निर्वाचित हुआ। ये बहुत बड़ी पार्टी की बात है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को बिल्लौर संघ में निर्विरोध निर्वाचित कराया। प्रधान अकबरपुर से मुन्नालाल अग्नोत्री जी है, यहाँ संचालक पद पर निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने हमको निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग किया। ये हमारे हैं सुकुमार कटियार जी, कुदौरा निवासी, और यहाँ से संचालक पर निर्वाचित हुए और उन्होंने हमें समर्थन देकर निर्वाचन में सहायता किया। और रामदास जी एससी समाज से महुआ निवासी जी, इस संचालक पद पर बिल्लौर संघ में निर्वाचित हुए, इनको शासन ने यहाँ निर्वाचित किया है, ये बहुत बधाई के पात्र हैं। इन्होंने हमें सहयोग किया और हमें निर्विरोध निर्वाचन में पूरा लाल बहादुर जी हैं शिवरा निवासी, इन्होंने संचालक पद ग्रहण किया और हमको निर्विरोध निर्वाचन में पूरा सहयोग किया। लाल बहादुर नवीन एडवोकेट शिवरा के भी निवासी और बिल्लौर में भी, इन्होंने भी निर्विरोध निर्वाचन में हमारा पूरा सहयोग किया। साथ ही छोटे भाई और समाज सेवक कटियार बीज भंडार, इन्होंने भी हमें जो है इसमें संघ निर्वाचन में पूरा सहयोग देकर निर्विरोध। ये हमारे ऋषि गुप्ता जी हैं सेक्टर प्रमुख, इन्होंने पूरा सहयोग और समय देकर के हमको निर्विरोध निर्वाचन में सहायता की, ये भी बधाई दे पाते हैं। पड़ोसी सेक्टर और राजू भाई जी के पुत्र हमारे राजू भैया बहुत प्रशंसक रहे, उन्होंने जो है पूरा सहयोग और समय दिया, ये भी बहुत बधाई के पात्र। सेक्टर संयोजक सहबसु और अकबर सूर सिंह के प्रधान मने इनकी पत्नी जी हैं, इन्होंने पूरा ये मुन्ना लाल जी को ये सब पूरी टीम लगा करके और मुझे निर्विरोध संयोजक यहाँ का अध्यक्ष बनाने में सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ये फौजी जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इन्होंने भी बहुत ज्यादा
मेहनत की और ये मुन्ना लाल जी और ये कमल वगैरह सबको ला करके और बहुत ये दुल्हा निवासी हैं, इन्होंने भी पूरा सहयोग किया। मैं आपको बता दें हमारे साथ मैं 15 से 2020 तक सिवराधारा सिखों का प्रधान रहा, उस समय हमारे रोड भैया भी प्रधान रहे और हम लोगों ने मिल करके गाँव के विकास के लिए कार्य किया और इन्होंने भरपूर मेहनत करके आज मुझे इस संघ का अध्यक्ष बनाया, इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।